हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सो आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल का स्टॉक कंटिन्यूअसली इतना रैली क्यों कर रहा है और इसके पीछे फंडामेंटल रीजन क्या है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू कितना होना चाहिए उसके बारे में जानकारी लेंगे, कैसे ये कंपनी इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव कर पाया जस्ट इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ तो आपको और ज्यादा क्लियर आइडिया मिलेगा। सो आ जाते हैं हम स्क्रीन के ऊपर, तो मैं इसको इतना कर देता हूं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रेजेंटेशंस पे। व्हाई दीपक फर्टिलाइजर इज राइजिंग, राइट। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी रहना चाहिए क्योंकि जो स्टॉक्स बाय करते हैं तो वो इंक्रीज क्यों हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो पहले हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल इज अमॉन्ग इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो ये कंपनी आपका इंडस्ट्रियल केमिकल्स प्लस फर्टिलाइजर दोनों ही मैन्युफैक्चर करता है। इट मैन्युफैक्चर्स केमिकल सच एज आपका टेक्नो अमोनिया नाइट्राइट, जो माइनिंग केमिकल है बेसिकली, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और क्रॉप न्यूट्रिशन के अंदर में डील करता है। रिसेंटली थोड़ा सा अभी के टाइम पे एग्रो केमिकल का शॉर्टेज हो जाएगा तो ग्लोबली, तो उसके हिसाब से भी एग्रो केमिकल स्टॉक्स के अंदर में रैली स्टार्ट हुआ, ये भी एक रीजन है। दूसरा द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्पैनिंग इंडस्ट्रियल केमिकल्स, बल्क एंड स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स, फार्मिंग डायग्नोस्टिक एंड सोल्यूशन, टेक्निकल अमोनिया नाइट्राइट एंड वैल्यू एडेड रियल स्टेट। मतलब ये कंपनी का ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो आपका इंडस्ट्रियल केमिकल से लेकर के बल्क केमिकल, आपका स्पेशलिटी फर्टिलाइजर, फार्मिंग डायग्नोस्टिक सोल्यूशन एक्सेट्रा प्रोवाइड करते हो। साथ साथ में रिसेंटली कंपनी आई थिंक पुणे में अपना एक तरह से लार्जेस्ट रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट ऑफ रिटेल डेस्टिनेशन या को मॉल बना, फर्नीचर का मॉल बना रही है जो कि लार्जेस्ट रहेगा पूरे पुणे में, राइट। तो वहां से भी शायद कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होगा आने वाले वक्त में। इस कंपनी के एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि टेक्निकल अमोनिया नाइट्राइट। द कंपनी इज मूविंग फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट लीडर टू अ बीइंग ग्लोबल प्लेयर व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड इनटू माइनिंग सर्विस एंड सॉल्यूशन। सो यहाँ पे जो कंपनी टेक्निकल अमोनिया नाइट्राइट या टैंक की अगर हम बात करें, जो डोमेस्टिक मार्केट लीडर है लेकिन अब ये ग्लोबल मार्केट लीडर बनने वाला है इसके अंदर में, राइट। जो कि बेसिकली आपका माइनिंग के अंदर यूज किया जाता है, एक्सक्लूसिव मटेरियल के अंदर में, जहां पे आपका कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब एक्टिविटी के अंदर में। उसके बाद इनका जो सेकंड एग्री बिजनेस के अंदर में जो दीपक फर्टिलाइजर का है, बल्क फर्टिलाइजर जो कि पहले बल्क मैन्युफैक्चर करते, अब वो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं टू फार्म इनपुट एंड डेवलपिंग कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक क्रॉप एंड सॉइल। तो मतलब अलग अलग सॉइल और क्रॉप के लिए, अब वो पहले कंपनी एक तरह से कमोडिटी बेस्ड थी, अब वो कंपनी स्पेशलिटी के अंदर मूव कर रही है, ये भी एक मेन रीजन है। उसके बाद इन केमिकल्स द कंपनी इज मूविंग अप फ्रॉम द वैल्यू चेन फ्रॉम बल्क केमिकल कमोडिटी डेवलपिंग अ इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोडक्ट ग्रेड। मतलब इसके अंदर में भी जो केमिकल ये प्रोवाइड करती थी कंपनी इंडस्ट्रियल केमिकल में, उसके अंदर में भी वैल्यू चेन इंक्रीज, वैल्यू चेन में मतलब चेंजेस करके अब वो बल्क कमोडिटी से आपका स्पेशलिटी जो स्पेसिफिक केमिकल उसके ऊपर फोकस करने वाली है एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये कंपनी के बारे में ब्रीफ था, राइट। इस कंपनी का अगर हम ओवरऑल ब्रेकअप अगर हम देखें तो कंपनी का रॉ मटेरियल नेचुरल गैस आरपीजी फॉस्फोरिक एसिड है, जो इसका एक रॉ मटेरियल है, जिसका यूसेज करके कंपनी डिफरेंट काइंड ऑफ ये प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जैसे यहाँ पे सोर्सिंग रॉ मटेरियल देख सकते हैं, प्रोड्यूस एंड सोर्स रॉ मटेरियल, यहाँ पे डीएनए प्रोड्यूस भी करते हैं या लेकर के भी आते हैं। इसमें फर्टिलाइजर बिजनेस में एनपीके जो हम आगे डिस्कस करेंगे, डब्ल्यूएसएफ और नाइट्रिक फॉस्फेट ये सब बनाते हैं। टैन जो मैंने आपको अमोनिया सॉरी टेक्निकल अमोनिया नाइट्रेट बिजनेस का है, फिर इंडस्ट्रियल केमिकल बिजनेस है। तो कुछ इस तरह से कंपनी पूरा इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन के अंदर में प्रेजेंट है, जहां से कंपनी अपना कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर पाती है। ये कंपनी के पास ऑलमोस्ट 85% के आसपास मार्केट शेयर है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में, जो रिसेंटली आपने देखा रहेगा कि एक तरह से आपका दीपक नाइट्राइट भी अपना प्लांट जो कैपेसिटी उसको डबल करने वाला है। तो इस कंपनी के पास फिलहाल 85% के आसपास मार्केट शेयर, जो मे बी अभी रिड्यूस हुआ रहेगा थोड़ा बहुत। फिर इस कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, मार्केट लीडर है कुछ स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के अंदर में, लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लांट इन साउथ ईस्ट एशिया और ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इंडिया में। लेकिन अब दीपक नाइट्रेट भी इंटर कर चुका है और कैपेसिटी डबल करने वाला है। तो एक तरह से इस कंपनी का मोनोपोली तो मतलब इतना नहीं अचानक से पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा कंपनी का मार्केट शेयर कम होगा। उसके बाद इस कंपनी का जो इंडस्ट्रियल केमिकल मैन्युफैक्चरर है उसकी अगर हम बात करें, जिसके अंदर में कंपनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स मैन्युफैक्चर करता है एज पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लार्जेस्ट नाइट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स इन साउथ ईस्ट एशिया, मतलब ये आईसीईएम की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर में कंपनी डील करती है। लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल लाइक
नाइट्रिक एसिड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथनॉल, ये सब एक कंपनी बनाती है। उसके बाद कैटरिंग टू जो आईसीएम, जो ये इनका केमिकल है, वो बेसिकली आपका फार्मास्यूटिकल इंक कोटिंग कंज्यूमर्स एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर यूसेज होता है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन प्रॉक्सिमिटी टू द क्लस्टर, जिससे कंपनी को प्लस पॉइंट मिलता है। उसके बाद कंपनी का सेकेंड बिजनेस जो है टेक्निकल अमोनिया नाइट्राइड, जो कि एक तरह से लार्जेस्ट डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल भी कंपनी भी मार्केट लीडर बनने वाली है, और ओनली प्रोड्यूसर है इसका इंडिया में फिलहाल के टाइम पे, जो एक्सप्लोजिव ग्रेड और लो डेंसिटी प्रिल एएन इन इंडिया प्रोवाइड करती है। कंपनी इंडिया लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूसिंग एनमेल्ट एंड एचडीएन एंड एलडीएन, राइट, ये सब इस टाइप ऑफ आपका अमोनिया नाइट्राइट ही है, राइट, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। सो ये सब कंपनी इंटरनेशनल मार्केट सच एज मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे इसके प्रोडक्ट का काफी ज्यादा डिमांड है। इनका थर्ड प्रोडक्ट है क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के अंदर में, जहाँ पे ओनली मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रो फॉस्फेट एनपी, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इसके अंदर एक कंपनी एक तरह से मार्केट लीडर और एक ही ऐसा मैन्युफैक्चरर है। मार्केट लीडर इन स्पेशलिटी फॉर प्रोडक्ट्स वाटर सोल्यूबल स्पेशलिटी फर्टिलाइजर बेंटोनाइट सल्फर एक्सेट्रा मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट। तो यहाँ से हमने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, और हर एक प्रोडक्ट्स में कंपनी का खुद का एक मार्केट लीडरशिप है। उसके बाद आपको अगर मेरा 14th बैच ऑफ स्टॉक एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन करना हो, जहाँ पे किस तरह से एनुअल रिपोर्ट को रीड करना है, किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, इंट्रेंसिक वैल्यू, टारगेट प्राइस, ए टू जेड इस कोर्स के अंदर कवर किया जाता है। आपका एनुअल रिपोर्ट ए टू किस तरह से पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करने वाले, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है या खुद से स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट जर्नी, या सीखना है मार्केट के बारे में, जो भी स्टॉक्स आप बाय करते हो, तो ये कोर्स आपके लिए। ये 14th बैच है, जिसमें टोटल 4 संडे 4 लेक्चर होता है, सुबह 10 से लेकर के 12। मैं एक दिन अगर वेबिनार रख करके खत्म करूंगा तो मैं तो मुझे लिए ठीक है, लेकिन आपके लिए ठीक नहीं है। सो मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ एक महीने तक जुड़े रहो, आप मेरे साथ सीखिए, मुझसे क्वेश्चन कीजिए जितना हो सके। इसके अंदर आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपको इसमें लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा, आपको रिकॉर्डेड सेशन का मेरे वेबसाइट पर डायरेक्टली, आप वहां से भी इनरोल कर सकते हैं अगर ऑफलाइन चाहिए तो, ऑनलाइन चाहिए वहां से, यहाँ पे मैं लाइव आपको पढ़ाऊंगा। 3,200 इसका फीस है एज ऑलवेज। अभी तक मोर देन 400 स्टूडेंट्स के ऊपर मैं पढ़ा चुका हूँ अक्रॉस इंडिया और बाहर से भी। और इसका अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये 100% गारंटीड और रिफंडेबल कोर्स है, लेक्चर पसंद नहीं आया तो फीस आपका रिफंड हो जाता है। उसके बाद इस कंपनी का अपडेट करने बात करूं, जो फिलहाल इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, जिसके वजह से स्टॉक के अंदर में रैली चल रहा है, राइट। क्लियरली डिफाइंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पीक यूटिलाइजेशन डेमोन्स्ट्रेटेड एट दहेज प्लांट। सो यहाँ पे अमोनिया, सो अमोनिया की बात करें, टोटल प्लांट इन्वेस्टमेंट अराउंड 4,350 करोड़ के आसपास करने वाले हैं, जिसमें अभी तक 2,000 करोड़ के आसपास खर्चा कर चुके हैं और 930 करोड़ के आसपास डेट इनरोल रही है। तो बैलेंस इन्वेस्टमेंट 2,276 करोड़ के आसपास है, जो एक्सपेक्टेड है, जो अमोनिया का जो ये एक्सपांशन कर रहे हैं ऑलमोस्ट Q1 FY24 तक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा इनका जो फोकस कर रहे हैं आपका टेक्निकल अमोनिया नाइट्राइड, जिसके लिए इन्होंने 2,200 करोड़ का कैपेक्स का प्लान किया है, जिसमें से अभी सिर्फ 357 करोड़ के आसपास स्पेंड किया है। उसमें से अभी 700 to 900 करोड़ के आसपास खर्चा करने वाले, और बैलेंस जो है वो Q2 FY25 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी का केमिकल्स की बात करें और कैपेसिटी की बात करें, तो कंपनी प्लान कर रही है जो अभी के टाइम पे इस कंपनी का जो 1,28,700 के आसपास कंपनी का कैपेसिटी मेट्रिक टन पर एनम अमोनिया प्रोड्यूस करती है, जो इसमें और 5,10,000 के आसपास इनको ऐड करना, जिससे इस कंपनी का कैपेसिटी ऑलमोस्ट 6,38,700 के आसपास पहुंच जाएगा, राइट। वहीं पे टेक्निकल अमोनिया नाइट्राइट में भी अराउंड 3,76,000 के आसपास कैपेसिटी ऐड करने वाले, जैसे 8,62,900 के आसपास पहुंच जाएगा। और भी कुछ मार्केट में प्लेयर है जो 10 के हिसाब से अपना मार्केट शेयर ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इस कंपनी का ऑलरेडी स्ट्रैटेजिक और उन्होंने वो डिलीवर करके दिखाया है, इसके लिए कंपनी है तेजी से ग्रो कर रहा है, राइट। उसके बाद इस कंपनी का मार्जिन की बात करो, एक टाइम पे 7% के आसपास था, आप देख रहे हो ऑपरेटिंग एबिट्टा मार्जिन, अभी के टाइम पे वो इंक्रीज होकर के ऑलमोस्ट 18% के आसपास आ चुका है, राइट। सो दिस इज लाइक की जो भी कंपनी कर रही है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नजर आ रहा है। उसके बाद कंपनी के अंदर क्या चल रहा है अभी के टाइम पे, कंपनी किस तरह से खुद को शिफ्ट कर रहा है, कमोडिटी स्पेशलिटी एंड प्रोडक्ट टू सोल्यूशन कंटिन्यू। मतलब उनको लगा कि अभी के टाइम पे अगर हम सिर्फ कमोडिटी बिजनेस पे फोकस करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो नहीं होगा, राइट। सो हमको स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और कस्टमाइज प्रोडक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, जहां पे क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट है। तो क्लाइंट का अगर आप रिक्वायरमेंट समझते हो तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होता है।
आप खुद से जो भी बेचना चाहोगे वो चीज नहीं बिकता जल्दी। ग्रोथ इन सेल्स वॉल्यूम सपोर्टेड बाय इंप्रोमाइजेशन यूटिलाइजेशन लेवल, मतलब हर एक जो भी ये केमिकल मैन्युफैक्चर करते हैं ऑलमोस्ट 80 to 90% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का पहुंच चुका है। कैपेसिटी एक्सपांशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू ड्राइव लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अभी के टाइम पे इनका जो सेल्स है वो ग्रो हो रहा है, यूटिलाइजेशन लेवल ग्रो हो रहा है, कैपेसिटी एक्सपांशन का प्लान कर रहे हैं, इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है जिससे कंपनी खुद का कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज कर पा रही है, सेल्स भी ग्रो कर पा रही है और कैपेसिटी देख रही है कि डिमांड है मार्केट में, इसके लिए वो भी फायदा उठा रही है। उसके बाद जो इनका डिवीजन है जो स्पेशली केमिकल्स है फार्मा में, शिफ्ट ग्लोबल सप्लाई ट्रेंड टुवर्ड्स इंडिया टू कंटिन्यू ड्राइव अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर नाइट्रिक एसिड फ्रॉम द डाउन स्ट्रीम कस्टमर, मतलब नाइट्रिक एसिड के अंदर में जो डाउन स्ट्रीम कस्टमर्स इनके पास, वहां से इनको फायदा मिलने वाला जो चाइना से फिलहाल इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। उसके बाद जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बिजनेस मूविंग टू प्रेफरेंशियली प्लेस प्रोडक्ट इन टू हायर मार्जिन एप्लीकेशन एंड फॉर्मुलेटिव ऑफरिंग टू सस्टेन एंड इम्प्रूव मार्जिन, तो अभी के टाइम पे जो आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जो ये यहाँ से ये मार्जिन काफी तेजी से इनका ग्रो होने वाला है क्योंकि इसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अगर मतलब कोई केमिकल पहले हम बाहर से इंपोर्ट करते थे तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर रही है, जैसे कि आपका दीपक नाइट्रेट कर रहा है, तो उसकी वजह से इस कंपनी को मार्जिन में फायदा होगा। उनका माइनिंग केमिकल की बात करें, विद अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पावर सेक्टर, द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज टैन डिमांड ट्रेंड दैट लाइकली टू सस्टेन, तभी के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो पावर हो ये पूरा का पूरा सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका टेक्निकल अमोनिया नाइट्रेट का काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगा, इसके लिए कंपनी अपना कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक ग्रो हो रहा है। सो लेवरेजिंग एडवांटेज टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन एंड ए आई बेस्ड ब्लास्ट मॉडलिंग टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन द माइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो और ये एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज करे, ए आई हो या जो भी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये सब के ग्रोथ करने के लिए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद फर्टिलाइजर स्पेस की बात करें, तो आवर स्ट्रेटेजी डायरेक्ट राइट फ्रॉम क्रॉप स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर फार्म फोकस मार्केटिंग ड्राइव टू बेनिफिट इन एक्सपांडिंग आवर मार्केट शेयर एंड मार्जिन, तो अभी के टाइम पे जो फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर में भी जो कंपनी पहले बल्क केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, अब स्पेसिफिक केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, सो दैट वो क्रॉप और सॉइल जिसके हिसाब से रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंपनी अपना मार्केट एक्सपांड कर रही है। तो ग्रीन फील्ड एक्सपांशन कर रही है, अपना अमोनिया प्लांट इज मेकिंग स्पीडी डेवलपमेंट ऑन द ग्राउंड एंड इज प्रोग्रेसिंग एज पर द प्लांट शेड्यूल जो कि Q1 FY24 के आसपास का है, तो वहां से इस कंपनी को फायदा होगा, उस टाइम पे कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन और ज्यादा इंक्रीज होगा। विद ऑल थ्री सेक्टर इंडस्ट्रियल केमिकल्स माइनिंग केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर स्ट्रॉन्गली अलाइन टू इंडिया ग्रोथ स्टोरी, तो अभी के टाइम पे जो आपका फर्टिलाइजर हो इंडस्ट्रियल केमिकल हो तो पूरा पूरा इंडिया में इस चीज का ग्रोथ है, तो वो उस मार्केट को टैप करिए कंपनी, इसके लिए कंपनी में फिलहाल टेलविंड दिखाई देगा और कंपनी के अंदर में ग्रोथ दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने आपको फंडामेंटल रीजन बताया कि क्यों ये स्टॉक ग्रो हो रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल रीजन के हिसाब से, क्योंकि हम एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस भी कराता हूँ। तो यहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर का मैं आपको बता देता हूँ कि एक टाइम पे स्टॉक कहाँ था, ऑलमोस्ट 63 रुपीज के आसपास था, और ट्रस्ट मी ये स्टॉक के अंदर में हमने आई थिंक 180 124 रुपीज के आसपास एंट्री लिया था और 250 के आसपास मैंने बेच दिया था, राइट। मुझे लगा कि काफी ज्यादा हो गया तो 250 रुपए के आसपास बेच दिया था उस टाइम पे, उसके बाद मैंने इस कंपनी को ज्यादा ट्रैक नहीं किया, लेकिन आज ये स्टॉक अराउंड 695 रुपीज के आसपास चल रहा है। सो ये मैटर करता है कि आप बिजनेस को आइडेंटिफाई करो, उस टाइम बिजनेस मुझे अच्छा लगा था लेकिन मैंने उसमें वेट नहीं किया। नाउ इसके अंदर मैं टेक्निकल रीजन में आपको बता दूं जिसके अंदर ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप प्राइस एक्शन पैटर्न को समझते हैं तो इस कंपनी के अंदर में एक तरीके से आप देखोगे तो एक राइजिंग ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा था, राइट। राइजिंग ट्राइंगल पैटर्न का मतलब आप देख सकते हो ये ट्राइंगल, राइट, लोअर हाई फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक तरह से आपका बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी फॉर्म हुआ, मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मिला, राइट। तो यहाँ से ये कंपनी ग्रो करना स्टार्ट किया, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेम नीचे आ जाओ तो आपका मैकडी और जो लाइन है वो भी क्रॉस ओवर दिखा रहा था, आपका आरएसआई भी ऑलमोस्ट 50 के आसपास, मतलब अभी एंट्री करना बेस्ट पॉइंट था, और आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई अराउंड 20 के आसपास था, तो एकदम परफेक्ट सिनेरियो था इस स्टॉक के अंदर में इंटर करने के लिए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो लोगों ने अपना यहाँ पे जो टारगेट इन्होंने अचीव किया रहेगा, जो टारगेट रखा रहेगा, यहाँ से आप कोई भी लो या हाई ले सकते हो, जो भी आपको डिपेंड आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से इस स्टॉक का जो टारगेट था अराउंड से 710 रुपए के आसपास का टारगेट था, जो हिट हो चुका है, ऑलमोस्ट 23-34% का रिटर्न स्टॉक ने दे चुका है। तो ये टेक्निकल रीजन था जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर में रैली आया। अभी और कितना ऊपर जा सकता है तो वीकली टाइम फ्रेम पे लगा के चेक कर लो, इसका प्रीवियस हाई, तो अभी के टाइम पे स्टॉक का कोई प्रीवियस हाई नहीं है, ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई चल रहा है। सो मे बी स्टॉक के अंदर में टेम्पररी फिर से आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है, मे बी 600 रुपए के आसपास स्टॉक फिर से आ सकता है, उसके बाद अगर ये बिजनेस ग्रो हो सकता है। ये सेकंड रीजन हो गया। उसके बाद और रीजन पे ले चलता हूं मैं आपको दीपक फर्टिलाइजर के इन्वेस्टर्स पे।
इन्वेस्टर्स पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि कंपनी के अंदर में जो एफआईआई का स्टेक है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है. 1.57 था सितंबर 21 में, सडनली 12% के आसपास स्टेक या 11.95% के आसपास एफआईआई ने स्टेक एक्वायर किया, दिसंबर की बात कर रहा हूँ. उसके बाद स्टॉक के अंदर में रॉकेट की तरह रैली आया. इसको आप ओपन करके देख सकते हो किस किस ने बाई किया. स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड हो गया, गवर्नमेंट पेंशन फंड, बीएनपी परिवास हो गया, फिडेलिटी फंड हो गया, उन्होंने अपना स्टेक इस कंपनी के अंदर इंक्रीज कर लिया, क्योंकि उनको जो कंपनी जो जो भी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी खेल रही है ताकि कंपनी का ग्रो हो सके, एक्सपांशन हो सके, पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इन्होंने स्टेक अभी स्टॉक के अंदर में 3 महीने पहले एक्वायर किया और वो ऑलरेडी काफी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करे. तो ये एक मेन रीजन है, राइट. तो आपका कैंसिली मेंटल मॉडल पे स्टॉक फिलहाल परफेक्ट बैठ रहा है, वन ऑफ द मॉडल पे, राइट. उसके बाद इस कंपनी का आप अगर क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो क्वार्टरली सेल्स नंबर देख सकते हो कि कंपनी का कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, राइट. इस कंपनी का ईपीएस अगर हम देखें जो एक टाइम पे 6.97, 8.5, 38, 46.80, तो एक चीज नोटिस कर रहे हो कि कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है, कंपनी का अर्निंग प्राइस पर शेयर ग्रो हो रहा है, जो कि कैंसली मेंटल मॉडल का परफेक्ट है. तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, राइट. तो ये सब चीजें जो मैं ऑलरेडी पहले ऑब्जर्व कर लेता तब मुझे मालूम पड़ता है स्टॉक क्यों रैली कर रहा है, राइट. कैंसिल मेंटल मॉडल के हिसाब से 1-1.5 साल का स्टॉक था और इसने वो परफॉर्म किया है परफेक्ट, क्योंकि ईपीएस ग्रो होना, कंपनी का सेल्स ग्रो होना, क्वार्टरली बेसिस पे ग्रो होना, कंपनी के अंदर एफआईआई का स्टेक इंक्रीज होना, विच ब्रिंग्स अ सप्लाई डिमांड की एफआईआई ने इंक्रीज किया है, तो इसलिए स्टॉक के अंदर में एक तरह से रैली आया है, राइट. उसके बाद अब इस वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ कंपनी का फिलहाल कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स कॉपी करते हैं और यहां पे पुट करता हूँ. ईपीएस फॉरवर्ड मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करना, मैं एक नहीं बहुत सारे मेथड से कैलकुलेट करता हूँ. एंटरप्राइज वैल्यू मेथड है, प्राइस टू सेल्स मेथड है, फेयर वैल्यू मेथड है, डीसीएफ मेथड है, राइट, जो मैं कोर्स के अंदर में कवर करता हूँ बहुत बार. ओके, लेट मी कॉपी हियर. सो यहाँ पे वैल्यू ये है, गलती से पुट करते हैं. तो यहाँ पे मैंने डाला वैल्यू कंपनी का सेल्स क्वार्टरली बेसिस पे, कि आने टाइम में क्वार्टर फोर में कंपनी का नंबर कैसा दिखाई देगा. उसके बाद आप ईपीएस को भी कॉपी कर लें ताकि ईपीएस के हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा कि इसका नेक्स्ट ईपीएस और सेल्स कितना है कंपनी रिपोर्ट करने वाली. तो मेरे हिसाब से कंपनी 2000 करोड़ के आसपास का सेल्स रिपोर्ट कर से 2100 करोड़ के आसपास, और ईपीएस कंपनी का 18 के आसपास पहुंच सकता है. तो ईयरली ईपीएस में भी कंपनी का आपका 60 के आसपास पहुंच सकता है, जो फिलहाल 46 के आसपास है. तो कंपनी का अभी के टाइम पे पी रेशियो आप 6 मंथ का ले सकते हो या 1 ईयर, 3 ईयर, जितना भी आपको लेना है. तो हम यहाँ पे फिलहाल 1 ईयर का देख सकते हैं, 1 ईयर का ही ले लेते हैं, राइट. 1 ईयर का ले लेते हैं तो हमको थोड़ा सा और क्लियर आइडिया मिलेगा. तो 1 ईयर के हिसाब से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अराउंड 645 रुपीज के आसपास होना चाहिए, मतलब 600 रुपए के आसपास भी स्टॉक आ सकता है. तो अभी के टाइम पे जो ट्रेड कर रहा है स्टॉक आपका, आई थिंक 695 है. तो थोड़ा ये कंपनी ओवर प्राइज है एज कम्पेयर टू कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव हमने देखा है. यहाँ से आप चाहो तो और डिटेल दीपक फर्टिलाइजर का चेक कर सकते हो. तो यहाँ पे कंपनी का ईवी एबिट्टा मल्टीपल आप चेक कर लो. ईवी एबिट्टा मल्टीपल अगर दीपक फर्टिलाइजर का चेक करूँ तो अराउंड 9.07 के आसपास आ चुका है, जो बाकी जो मार्केट में और लीडर्स हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट और केमिकल अलग है, तो यहाँ पे हम ये कंपेयर नहीं करेंगे. सो यहाँ पे हम भी इसका देख सकते हैं कि एक टाइम पे इस कंपनी का ईवी एबिट्टा मल्टीपल इस रेंज में था, इसको ब्रेक किया 6.88. अब कंपनी अपना वेल्थ क्रिएट कर रही है शेयर होल्डर्स के लिए. प्राइस टू सेल्स रेशियो की अगर हम बात करें अराउंड 1.16 के आसपास है, मतलब फेयरली यहां से नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी स्टॉक अराउंड 600 के आसपास आ सकता है, हाइयर प्रोबेबिलिटी है. तो इस हिसाब से ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. तो ये यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ये स्टॉक के अंदर में रैली हो रहा है, राइट. यहाँ पे मैंने आपको टेक्निकल, फंडामेंटल और सारा का सारा रीजन एक्सप्लेन किया. अगर आपको ये सारा का सारा चीज सीखना है तो डेफिनेटली मुझे जो नंबर दिया था उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो पीपीटी के अंदर में, या फिर कोई आपको जानकारी चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्प चाहिए, तो आप मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो. थैंक यू सो मच. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ. थैंक यू सो मच.